हम लोग 32 नंबर सम्स करने जा रहे हैं, इस ईयर में आया हुआ है 2010 में, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं ताकि सभी को पता चल जाए कि 2010 का सम्स आप करने जा रहे हैं। केशव, दिलीप एंड प्रबोध आर पार्टनर्स इन ए फर्म, तो इन द बुक ऑफ, मैंने पार्टनरशिप लिख दिया, आप पार्टनरशिप लिखेंगे तब भी चलेगा, इन द बुक ऑफ केशव, दिलीप एंड प्रबोध भी लिखेंगे तो चलेगा। देयर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1, अंडरलाइन करो ये, इसलिए कि शेयर ऑफ प्रॉफिट को जब आप बांटोगे तो कैसे बांटोगे, 3:2:1 से बांटोगे। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन 31 दिसंबर, अंडरलाइन करो 31 दिसंबर 2013 को 25,200 है। अरे पहले तो हम लोग इसी को खोजते हैं, 31 दिसंबर 2013 और नेट प्रॉफिट आपको 25,200 दे दिया है। यहां तक कोई दिक्कत? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, केशव को अंडरलाइन करो, इज इंटाइटल टू रिसीव सैलरी, सैलरी को अंडरलाइन करो, यानी केशव को सैलरी देना है 250 पर मंथ, पार्टनर सैलरी लिखेंगे, केशव का नाम लिखेंगे, 250 × 12 करेंगे और लिख देंगे। दिलीप को अंडरलाइन करो, इज इंटाइटल टू रिसीव कमीशन, कमीशन को अंडरलाइन करो, पार्टनर्स कमीशन लिखेंगे, दिलीप का नाम लिखेंगे और 1% दे देंगे, किसके ऊपर देंगे, ग्रॉस सेल्स के ऊपर, और ग्रॉस सेल्स कितना है, 1,20,000। एंड प्रबोध इज टू रिसीव बोनस, पार्टनर्स बोनस लिखेंगे, प्रबोध का नाम लिखेंगे और 1,000 पर एनम है, 1,000 उसका लिख देंगे। लेकिन सबसे पहले अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया रहेगा तो पहले उसको निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे, फिर एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और करते चले जाएंगे। 1 जनवरी द बैलेंस ऑफ कैपिटल, कैपिटल को अंडरलाइन करो, ओपनिंग कैपिटल केशव का, दिलीप का और प्रबोध का दिया हुआ है 40, 50, 30। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए अंडरलाइन करना है, 1 जुलाई को केशव ने विथड्रॉ किया 3,000 एंड 1 मार्च को प्रबोध ने विथड्रॉ किया 6,000। ड्रॉइंग दो लोगों का दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, डेट याद कीजिए, पहला क्लास को डेट दिया रहेगा तो डेट को कंसीडर करेंगे अपने मन से, 6/12 करने का दरकार नहीं है, वो कब करते हैं जब कुछ नहीं बोलता है, यहां पर तो डेट दे दिया, वहां पर भी हम आपको डेट का सवाल करवाए थे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फिक्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है और ड्रॉइंग के ऊपर कितना परसेंट है, तो ड्रॉइंग तो हम लोगों को करके दिखाना ही पड़ेगा ना। तो बोल रहा है क्या बनाने के लिए, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या बोल रहा है बनाने के लिए, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोल रहा है। तो दो चीज तो पता चल गया इधर में, भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, दिखाएंगे हम लोग। ड्रॉइंग कौन कौन किया है, देखिए जी, केशव को के और प्रबोध को पी लिख दे रहे हैं ताकि हम लोग जल्दी से कुछ सवाल को कर पाएंगे। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग केशव को भी मिलेगा, दिलीप को भी मिलेगा और प्रबोध को भी मिलेगा, के डी और पी लिख दिए हैं। कैपिटल आपको पता है उसके ऊपर 5% होगा, तो 40,000 का 5% कितना होगा, 2,000, 50,000 का 2,500 एंड 30,000 का 1,500। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लोग नीचे में वर्किंग करके दिखा रहे हैं, आप लोग एक जगह कर लीजिए क्योंकि हमको मिटाना पड़ेगा, आप लोग तो जानते हैं। ड्राइंग दो लोग किया है, केशव ने और किसने किया है, प्रबोध ने, कितना कितना अमाउंट किया जरा बताएंगे आप लोग, डेट जरा बता दीजिए, ये देखिए 1 जुलाई और ये 1 मार्च, परसेंटेज 8% है। देखो यहां पर जब भी इंटरेस्ट निकालोगे ना, आप इसको देखना, यहां क्या डेट है, दिसंबर है, यहां जुलाई है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 महीना हुआ ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बट इसका देखो 1 मार्च है, ऐसा नहीं सोच लेना मार्च और दिसंबर और 9 लिख देना, 1 मार्च है, आपने फर्म से जो ड्राइंग किया, जस्ट लाइक फर्म से आपने लोन लिया, कितना लिए, अगर किसी और से आप लोन लेंगे तो लोन हुआ कि नहीं, कब लिए, 1 मार्च, मार्च पूरा,
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितना मंथ हुआ? 10 महीना निकालेंगे, इसका 120 होगा, इसका कितना हो रहा है पक्का? तो चलिए जी हम 120 एंड 400 लिख दिए। अब एक एक लाइन पढ़ेंगे, कारण क्या है? देखो इधर तो अब कुछ नहीं आ सकता है, फॉर्मेट में नेट प्रॉफिट और ड्राइंग रहता है, इधर में कैपिटल, बाकी एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे, ठीक है ना? देखो केशव दिलीप एंड प्रबोध आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो 3:1, नेट प्रॉफिट 25,200 दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड केशव को अंडरलाइन किए, सैलरी को अंडरलाइन किए ना, लिखिए पार्टनर सैलरी, केशव 215 × 12 3000 हुआ ना। फिर क्या किए हैं आप, किसको अंडरलाइन किए बोलिए? कमीशन किसको? दिलीप को। किसके ऊपर देंगे? 1,20,000 का कितना परसेंट? 1200। बोनस किसके लिए लिखे हैं? प्रबोध कितना? 1000 पर एनम। खत्म हो गया, इसको हम मिटाएंगे, अभी हम आपको बता ही थे, क्योंकि बिना मिटाए हमारा काम नहीं होगा। हम तो पहले बोले थे आपको कि वर्किंग जो करेंगे उसको जरूर से आप कॉपी कर लीजिएगा। ये क्यों मिटा रहे हैं बोलिए? क्या निकालना पड़ेगा अब, जब कुछ नहीं दिया है तो नहीं बोलेंगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट, यस। तीसरा सवाल बना रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो बोलना चाहिए ना आप लोगों को, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या रेशियो दिया हुआ है? केशव, दिलीप और प्रबोध। अच्छा एक बात बताओ, हम दो में आपको निकाल के बता दिए कि कैसे प्रॉफिट निकाला जाता है, फिर बताना पड़ेगा? कर लेंगे ना, तो घर पे वर्किंग करना, हम डायरेक्ट अभी कैलकुलेटर से निकाल देंगे। 25,720 प्लस माइनस करके कितना बचा? 1,452,7,260 इसका हो गया। अच्छा अभी मैंने जैसा कि अभी बात किया था आप लोगों को, मैंने तीन सवाल आप लोगों को बताया, ये तीन सब्स में आप लोगों ने देखा कि काफी आसान है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इधर में नेट प्रॉफिट आता है, इधर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, बाकी सब कुछ इधर में करने के बाद प्लस माइनस करते हैं, और यहां पर अगर रेशियो देगा तो रेशियो से बांट देंगे, कुछ नहीं बोलेगा तो इक्वली बांटेंगे, और अगर कैपिटल रेशियो बोलेगा तो कैपिटल का रेशियो से बांट देंगे। आप लोगों को उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा। ओके अब सुनो, मैंने अभी क्या बताया आपको कि मैं अभी आप लोगों को कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सिखाएंगे। क्या सीखना है अभी आप लोगों को? कैपिटल अकाउंट। ओके तो चलो कैपिटल अकाउंट के लिए थोड़ा बात लिखना पड़ेगा, पहले लिख लो कैपिटल अकाउंट कितने तरह से होते हैं, उसको पहले लिखो।